नागर ब्राह्मण समाज के पंडित गोविंद जाने द्वारा श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के इलाके के श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान विशेष रूप से रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु झूमते नजर आए और श्रीमद भागवत कथा का आनंद लिया। वहीं पंडित गोविंद जाने ने कहा कि आज समस्त हिंदू संगठनों को आगे आने और संगठित रहने की जरूरत है। पंडित गोविंद जाने द्वारा श्रीमद भागवत कथा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद लिया। कथा के दौरान रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने मस्त होकर नृत्य किया और भगवान से आशीर्वाद लिया। भोपाल के पास सिकंदराबाद में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के इलाके के श्रद्धालुगण कथा का आनंद लेने पहुंचे। इस अवसर पर पंडित गोविंद जाने ने कहा कि आज के समय में हमें बेटियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने स्वविवेक के कार्य करें, और पिछले दिनों हुई घटना से संपूर्ण सनातन धर्म की बेटियां सचेत रहें। उन्होंने ये भी कहा कि आज समस्त हिंदू संगठनों को आगे आने और संगठित रहने की जरूरत है। भगवान ने हमें मानव जाति में जन्म दिया है, तो इस जन्म का हम पूर्णतया सार्थक रूप से आनंद लें, सदकार्य करें और हर दुख में एक दूसरे की सहायता करें। पिछले दिनों आई भीषण बीमारी की ओर संकेत करते हुए पंडित गोविंद जाने ने कहा कि वह एक ऐसा दौर था जब अच्छे अच्छे लोगों का रुपया पैसा काम नहीं आया। उस समय सिर्फ भगवान की कृपा ने ही लोगों के जीवन की रक्षा की है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।